विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के सफल निर्वाचन हेतु पंचायत भवन सभागार में पंचायत सहायक एवं अमीन चकबंदी को पोलिंग पार्टी के सामान वितरण हेतु तथा मतदान के पश्चात सभी सामग्री वापस देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्क्रूटनी के लिए आवश्यक प्रपत्र 17 गार, संवैधानिक लिफाफे तथा असंवैधानिक लिफाफे, अन्य स्टेशनरी आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई गई। जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने देश के प्रथम चुनाव के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में लोकतंत्र का महापर्व होने जा रहा है। संसाधनों के अभाव में भी देश का चुनाव हुआ और वहां से बढ़ते बढ़ते आज हम ईवीएम तक पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया कि आज का चुनाव बहुत ही व्यवस्थित है और हर कार्य पर चुनाव आयोग की नजर है, इसलिए इस निर्वाचन की प्रक्रिया में आपका दायित्व महत्वपूर्ण है। पोलिंग पार्टी रवाना होने की तिथि दिनांक 13 फरवरी को आपको अपने स्थान पर समय से पहुंचना है। उन्होंने कहा कि बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एवं अन्य सामग्री का ठीक प्रकार से मिलान कर ही प्राप्ति देनी है। सभी प्रपत्र ठीक प्रकार से रखे जाएं ताकि मतगणना के कार्य में कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि चुनाव एक महत्वपूर्ण कार्य है जिससे प्रदेश एवं देश की सरकारें बनती हैं और हमें इस लायक समझा गया है कि हमें चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य को कराने का दायित्व सौंपा गया है। अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के बारे में भी गहनतापूर्वक जानकारी लेकर ही हम अपना कार्य ठीक प्रकार कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तथा सुरक्षित माहौल में संपन्न कराना है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कानून व्यवस्था हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं तथा सुरक्षा की दृष्टि से मतदान केंद्रों पर CPMF लगाई गई है। इस बार पोलिंग पार्टियों की रवानगी 2 जगह से होगी और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लोग अधिक से अधिक संख्या में वोट डालें। उन्होंने आह्वान किया कि कोविड प्रोटोकॉल का स्वयं भी पालन करें और अन्य को भी कोविड प्रोटोकॉल का बेहतर ढंग से पालन करने के लिए प्रेरित करें और बेहतर प्रशिक्षण कराने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट MP सिंह, ACM राज बहादुर, जिला विकास अधिकारी, पंचायत सहायक एवं चकबंदी अमीन उपस्थित रहे। या वो करा भी देंगे तो तमाम सिक्योरिटी शिकायतें होने लेंगे कि साहब बहुत बेईमानी होगी और बहुत गलत होगी। आपने कुछ दूसरे काम नोट लेने के चांसेज होते हैं, फिर आशय प्रत्याशी आरोप प्रत्यारोप करते हैं। इससे जरूरी है नीचे से हमें 13 तारीख को हमारी पार्टियों की रवानगी है। प्यारी और खुदाजी विधानसभा मंडी सर्किट हाउस के पीछे का ग्राउंड है, वहाँ से रवाना होंगी। तो वहाँ पर आपको उस स्थान पर पहुँचना है जहाँ आपकी ड्यूटी है। जो फीमेल इम्प्लाई है हमारी, हमने आप सब लोगों की सहूलियत के लिए मेल इम्प्लाई से क्षमा मांगते हुए आपको नेक्स्ट डे की ड्यूटी से एग्जेप्ट रखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे की ड्यूटी जब रिसीव वाली होती है वो थोड़ा लंबा चलती है, मीन्स 11-12 बच जाते हैं, कई बार उससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो फीमेल हमारे कर्मियों को किसी तरह वापस जाने में दिक्कत ना हो, तो नेक्स्ट हम आपसे चाहेंगे कि कोशिश करेंगे कि न लेना पड़े, और लेना भी पड़ेगा तो हमारी कोशिश होगी कि 10 बजे से पहले छोड़ दें, और अगर उसके बाद छोड़नी पड़े तो हम आपको भिजवाने की व्यवस्था भी ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। कोशिश हमारी होगी कि 14 को हमारा, तो इससे अच्छा होता है कि आप समय से